लॉकडाउन तो खुल रहा है, लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि जितना हो सके आप उतना घर के अंदर ही रहें। हालांकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इस दौरान एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे होंगे, क्योंकि घर के अंदर सबसे बड़ा सहारा आज स्मार्टफोन ही है। ऐसे में अगर आप एक ऐसा फ़ोन तलाश रहे हैं जो कि स्टाइल और परफॉर्मेंस के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो, तो आप ओप्पो के न्यूली लॉन्च्ड ओप्पो A12 को कंसिडर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ओप्पो की ए सीरीज हमेशा से ही शानदार स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस के साथ कम कीमत में उपलब्ध होती है, और ओप्पो A12 भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मैं आपको ओप्पो A12 का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अक्सर हम शुरुआत डिजाइन और डिस्प्ले से करते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको ओप्पो A12 की बैटरी के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। भले ही एक स्मार्टफोन में कैमरा, परफॉर्मेंस और डिज़ाइन डिस्प्ले के साथ साथ बाकी फीचर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर बैटरी कमज़ोर हो तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन ओप्पो A12 यहाँ पर भी आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इस फ़ोन में 4230 mAh की बैटरी दी गई है, यानी हैवी यूसेज में भी ये फ़ोन एक पूरा दिन आराम से निकाल देगा। कंपनी का कहना है कि आप इसमें 8 घंटे तक लगातार वीडियोस देख सकते हैं। वहीं फ़ोन का प्रोसेसर भी काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है, जो लंबी बैटरी का भरोसा देता है। मैसिव बैटरी होने का फायदा यह है कि आप बेफिक्र होकर ओप्पो A12 में अपनी फेवरेट वेब सीरीज या शोज को घंटों देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं तो उस केस में भी ये आपका जरूर साथ निभाएगा। आप बिना किसी परेशानी के इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बैटरी जल्दी से ड्रेन नहीं होगी। अंत में वर्डिक्ट में यही देना चाहूंगा बैटरी के ऊपर कि ओप्पो A12 की बैटरी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। आमतौर पर देखा गया है कि बजट सेगमेंट में कुछ स्मार्टफोन कंपनीज बड़ी स्क्रीन तो दे देती हैं, लेकिन दूसरे एरियाज में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, खासतौर पर रैम और स्टोरेज। लेकिन ओप्पो A12 में आपको बड़ी रैम तो मिलती है, साथ साथ कंपनी ने इसमें ज़्यादा स्टोरेज भी दी है। ये फ़ोन दो शानदार वेरियंट्स में उपलब्ध है। 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, वहीं दूसरा 3GB रैम और 32GB रोम के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने LPDDR4X रैम का उपयोग किया है, जो फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए जाना जाता है। वैसे तो इतनी मेमोरी काफ़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये कम लगती है तो आप microSD कार्ड के जरिए इसे 256GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अच्छी बात कही जा सकती है कि मेमोरी के लिए आपको सिम से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 स्लॉट्स दिए गए हैं, जहाँ आप 2 सिम के साथ 1 microSD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इसकी बड़ी मेमोरी में आप ढेर सारी गेम और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। रही बात प्रोसेसर की, तो ये फ़ोन मीडियाटेक के हीलियो P35 चिपसेट पर काम करता है और इसमें 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मिड और बजट सेगमेंट में ये एक अच्छा प्रोसेसर साबित होता है। मल्टीटास्किंग हो या फिर गेमिंग, हर चीज़ को आसानी से हैंडल करने की क्षमता रखता है। ओप्पो A12 की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के बाद बारी आती है कैमरास की। आपको बता दूं कि इसमें मिलता है 13+2 MP का डुअल रेयर कैमरा, और ये अपने प्राइस रेंज में अच्छी फोटोग्राफी करने में सक्षम है। और आप भी इसके कुछ कैमरा सैंपल्स पर नज़र डाल लीजिए। पिक्चर क्वालिटी तो आपने देख ली, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ओप्पो A12 का मेन कैमरा AI इनेबल्ड है और ये 6x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। इसके साथ ही बर्स्ट मोड भी दिया गया है। वहीं इसका सेकेंडरी लेंस 2 MP का है और वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। इसमें हार्डवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड है, जो बेहतर पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में सक्षम है। वहीं फ़ोन में डेजल कलर मोड है, जो कलर मैपिंग एल्गोरिथम का उपयोग कर कम रोशनी में भी आपको बेहतर फोटो क्लिक करने में मदद करता है, यानी कि आप रोशनी कम होने पर भी नेचुरल और चमकदार फोटोज क्लिक कर पाएंगे। फोटोग्राफी के दौरान आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि ओप्पो A12 का AI ब्यूटिफिकेशन मोड भी इम्प्रेसिव है। ये फीचर लेटेस्ट AI एल्गोरिथम के माध्यम से ऑटोमेटिकली स्किन क्वालिटी, एज, जेंडर और दूसरी चीज़ों को रिकोगनाइज कर खुद से फोटोज को एनहेंस कर देता है, जिससे कि पिक्चर्स काफ़ी अपीलिंग और नेचुरल लगती हैं। अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ओप्पो A12 सिक्योरिटी के मामले में भी कम नहीं है।
फ़ोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि फास्ट और एक्यूरेट है। इसके अलावा इसमें आपको AI फेस अनलॉक मोड मिल जाता है जो कि पहले से ज़्यादा स्मार्ट और सिक्योर है। बड़ी बैटरी, बड़ी मेमोरी और शानदार कैमरास के बाद अगर डिज़ाइन और डिस्प्ले में कोई कमी मिले तो शायद आपका मन छोटा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ओप्पो A12 यहां भी आपको निराश नहीं करेगा। इस फोन में 6.22 इंच की HD+ रेजोल्यूशन के साथ वाटर ड्रॉप आई प्रोटेक्शन स्क्रीन दी गई है। इसमें ब्लू लाइट फिल्टर भी है जो फोन से निकलने वाली हानिकारक किरणों से यूजर्स की आंखों को सुरक्षित रखती है। ऐसे में कह सकते हैं कि नए स्टाइल के साथ आपको सुरक्षा भी मिल रही है। स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की इस पर प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89% और ये मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल पर 450 यूनिट्स तक सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर यदि आप स्क्रीन के बारे में बात करें तो बड़ी स्क्रीन के साथ साथ स्टाइल भी आपको खूब पसंद आएगा। फ्रंट के बाद जब बैक पैनल की ओर रुख करते हैं तो यहाँ 3D डायमंड ब्लेज डिज़ाइन देखने को मिलेगा। कंपनी ने थिनर कर्व्ड एज का उपयोग किया है जो इसे काफ़ी स्लीक बनाते हैं। वहीं पूरी बॉडी पर आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिलेगा जो ना सिर्फ फ़ोन को पकड़ने पर बेहतर ग्रिप देता है बल्कि अलग अलग व्यूइंग एंगल के साथ इसके शेड्स भी बदलते हैं जिससे फ़ोन और भी आकर्षित हो जाता है। बड़ी स्क्रीन के बावजूद फ़ोन का डिज़ाइन ऐसा है कि आप एक हाथ से आसानी से इसका उपयोग कर पाएंगे। फाइनली डिज़ाइन और डिस्प्ले में यही कहूँगा कि ये फ़ोन आपका दिल जीतने का दम रखता है। जैसे ही आप इसके बॉक्स को खोलेंगे आई एम श्योर कि आप झट से इस फ़ोन को उठा लेंगे। तो सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कीमत कितनी है, तो आपको बता दूं कि ओप्पो A12 का प्राइस एकदम कॉम्पिटिटिव है। इसका 3GB प्लस 32GB वेरियंट आप 9,990 रुपये में ले सकते हैं और 4GB प्लस 64GB स्टोरेज वेरियंट 11,490 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे ब्लू और ब्लैक जैसे इम्प्रेसिव और आई प्लीजिंग कलर्स में पेश किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये फ़ोन आप भारत के लगभग सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आउटलेट्स पर खरीद सकते हैं। यही नहीं, कंपनी ने इस फ़ोन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी पेश किए हैं। अगर आप इसे 21 जून से पहले खरीदेंगे तो आपको इसमें 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप इसे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड या फिर फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यही नहीं, इस फोन में आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड परचेज पर नो कॉस्ट EMI अप टू 6 मंथ्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज और ICICI बैंक के साथ आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स भी मिल जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बेहतरीन स्मार्टफोन अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ उपलब्ध है, तो देर किस बात की। अगर एक नया फ़ोन तलाश रहे हैं तो ओप्पो A12 क्यों नहीं।